हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बबली किचन। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सब सेहतमंद और खुशहाल होंगे। आज मैं आपको कोकोनट चटनी बनानी बताऊंगी, जो कि इडली, डोसा या वड़े के साथ खाई जाती है। ये परफेक्ट बिल्कुल वैसे ही चटनी होगी जैसी आप रेस्टोरेंट वगैरह में खाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन क्लिक करें और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें, इससे सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचेगी। इसको बनाने के लिए मैंने 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट लिया है। अगर आपके पास फ्रेश कोकोनट है तो आप वो भी डाल सकते हैं, छिलका उतार के उसको पतला पतला काट लें। अब मैंने इसमें थोड़ी सी 1 चम्मच के करीब बिना गिटक वाली जो इमली होती है वो डाली है, 1/2 चम्मच अदरक का टुकड़ा, 2 से 3 हरी मिर्चें और 10-12 मूंगफली के दाने और 1 टेबलस्पून के करीब मैंने चने की दाल डाली है। ये चने की दाल मैंने रात को भिगो के रख ली थी। अगर आप चाहें तो आप भुने हुए चने जो है बिना छिलके वाले वो भी डाल सकते हैं। इन सबको एक मिक्सिंग ग्राइंडर में मैंने डाल लिया है। अब मैं इसमें नमक डाल दूंगी, 1 चम्मच नमक डाला है। आप नमक अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। अब जितना मैंने डेसिकेटेड नारियल लिया है उतना ही हम 1 कप इसके अंदर पानी डाल देंगे, क्योंकि जब वो ग्राइंड होता है तो थोड़ा फूल जाता है। पहले हम थोड़ा 1/2 कप डालेंगे, फिर 1/2 कप इसमें बाद में डाल देंगे और इसको 1-2 मिनट ग्राइंड करेंगे। ये देखिए, ये मैंने ग्राइंड किया है। अभी थोड़ी सी गाढ़ी है तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी और डाल के इसको एक बार फिर ग्राइंड कर लूँगी। इसको ये मैंने ग्राइंडर में से निकाल लिया। ये देखिए, इस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए हमें चटनी की। बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं करनी आपने, बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं करनी। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको तड़का लगाएंगे। तड़के वाले पैन लेंगे, उसको गैस ऑन करके उसमें 1 चम्मच तेल डाल देंगे सरसों का, और उसमें 1/2 चम्मच राई के दाने या सरसों दाने जो बोलते हैं हम, सरसों के दाने बोलते हैं, सरसों के दाने डाल के उसको अच्छी तरह से तड़कने देंगे और 2 से 3 लाल मिर्चें उनको भी फ्राई कर लेंगे। अब थोड़े से कड़ी पत्ता, 7-8 कड़ी पत्ता आप डाल दें इसमें, इससे खुशबू बहुत बढ़िया आती है। और बस गैस को बंद कर दें। ये हमारा तड़का तैयार हो गया। अब हम चटनी के ऊपर ये तड़का लगा देंगे, इससे इसका फ्लेवर बहुत बढ़िया आएगा, मिर्चों का और कड़ी पत्ते का। अब हम इस ये हमारी सांभर इडली वड़े वाली चटनी बनके तैयार हो गई है। इसको मिक्स कर देंगे और आप इसको सांभर वड़ा, इडली, डोसा उसके साथ खाएंगे तो ये आपको बहुत स्वाद लगेगी और किसी चटनी की ज़रूरत नहीं लगेगी आपको। अगर आपको मेरी ये कोकोनट चटनी अच्छी लगे तो अपने व्यूज मेरे साथ शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन क्लिक करना ना भूलें। राइट हैंड पे बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट रेसिपी में फिर मिलते हैं।